अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़हीर अब्बास और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मदनी ऑटोज़ एंड टेक्निकल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं सिटी 70 कैरियर शॉक को बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपके सामने हमने शॉक खोल के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो इसके पम्प जो हैं बिल्कुल लीक हो चुके हैं सारे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ऑयल और मैल कुछ जमी हुई है। और दूसरे शॉक को आप देखें तो ये शॉक टूट चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम इनको रिपेयर करने के बारे में सीखेंगे। चलें दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम इन शॉक को खोल लेंगे। इनको खोलने के लिए हमें स्पूलर की ज़रूरत पड़ेगी। इस स्पूलर में हम शॉक को कुछ इस तरह से लगाएंगे। ये वाली साइड इस जगह पे आ जाएगी जबकि ये वाली साइड यहाँ ऊपर की तरफ आ जाएगी। और इसके अंदर फिक्स करने के बाद हम इसको टाइट करेंगे। टाइट करने के साथ साथ ये स्प्रिंग प्रेस हो जाएगा और ये जगह ऊपर की तरफ निकल जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो ये ऊपर की तरफ उठ चुका है। अब यहाँ अंदर एक नट लगा होता है, इस नट को हम खोल लेंगे। नट को खोलने के बाद हम पुलर में ऐसे शॉक को बाहर निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा एक शॉक खोल चुका है। अब इसी तरह हम दूसरे शॉक को भी खोल लेंगे। अब इस पंप को आप देखें तो ये बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। ये ऊपर से इसका रॉड टेढ़ा हो चुका है और इसकी ऑयल सील भी ये लीक है। इसी तरह आप दूसरे को देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी लीकेज है। तो हम इसके ये दोनों पंप चेंज कर देंगे। तो अब हम इसमें नए शॉक पंप एडजस्ट करेंगे। नए शॉक पंप एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हम इस कवर को लगाएंगे। इसको लगाने का तरीका ये है कि यहाँ पे आप देखें तो ये वाला कट जो है, इस कट को हम यहाँ पे रखेंगे इस जगह पे और दूसरा कट हमारा आ जाएगा इस जगह पे। इसको लगाने के बाद इसके ऊपर आएगी ये वाली कोली। ये कोली लगाने के बाद इसके ऊपर इसका स्प्रिंग आएगा। स्प्रिंग को लगाने के लिए यहाँ पे आप देखें तो ये जो कट बने हुए हैं स्प्रिंग के, ये तंग हैं और जबकि ये साइड जो है ये इसकी खुली साइड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पेचकस नहीं जा रहा जबकि इसके अंदर इजली जा रहा है। तो ये साइड जो है ये हम नीचे की तरफ करेंगे। इस साइड पे यहाँ पे ऐसे ही इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। इसको लगाने के बाद ये प्लास्टिक का कवर है, इस कवर को हम यहाँ इसके अंदर लगा देंगे इस जगह पर और उसके ऊपर शॉक का ये कवर आ जाएगा। और सबसे एंड में ये लगेगा जो कि पुलर की मदद से लगाया जाएगा। इसी तरह हम दूसरे को भी एडजस्ट कर लेते हैं। उसके ऊपर ये वाला कवर आएगा और उसके ऊपर आ जाएगा स्प्रिंग।
इस स्प्रिंग के भी खुले कट वाली साइड हम नीचे की तरफ करेंगे और ये तंग साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे, उसके ऊपर इसका ये कवर आ जाएगा। अब पुलर की मदद से हम इसको जोड़ लेंगे। इस नट को अच्छी तरह से टाइट करने के बाद हम इसको वापस खोल लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा शाफ्ट पूरी तरह से एडजस्ट हो चुका है। इसी तरह हम दूसरे को भी लगा लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि शॉक पंप चेंज करने की मदद से जो हमारा शॉक टेढ़ा था वो भी सीधा हो गया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट से शॉक तैयार हुए हैं और कितनी आसानी के साथ हमने इसके पंप चेंज कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। शुक्रिया।